हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी और वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे चैनल गांव का गार्डनर में। तो ये देखिए मेरे प्लांट में, सभी प्लांट में कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। और ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम रोज़ प्लांट में से बसल सूट कैसे लें, मतलब प्लांट को क्या फर्टिलाइज़र दे ताकि हम उसमें से ज़्यादा बसल सूट पा सकें। और बसल सूट निकलने के बाद हम इसका केयर कैसे करें। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखते रहिएगा। और चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो पहले आप देख लीजिए कि मेरे प्लांट का ग्रोथ कैसा है। ये जो दो प्लांट है, इन दोनों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। इन दोनों का रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था, किस मिट्टी में मैं लगाया था, और अभी आप इनका ग्रोथ देख सकते हैं। तो क्या फर्टिलाइज़र मैंने दिया था और ऐसा ग्रोथ कैसे लिया, डिटेल्स में आज आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये दोनों प्लांट में से भी बसल सूट निकल रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि आप कैसे पहचाने कौन सा बसल सूट है और कौन सा सकर है, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। देखिए इस प्लांट में से कितना ज़्यादा बसल सूट निकल रहा है, ये देखिए। ये एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी ब्रांच निकल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं दूसरे तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दो तीन ब्रांचेस नीचे से निकल रहे हैं जो कि बहुत हेल्दी होंगे, और इसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फूल भी होता है। और अगले साल जाके इस ब्रांच को अगर आप प्रून करेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे और इनमें से आपको बहुत ज़्यादा फूल मिलेगा। तो एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो मिनिएचर रोज़ का प्लांट है, इसको भी आप देखिए। और इसमें देखिए, इसमें भी कितने ज़्यादा बसल सूट निकल रहा है, लगभग चार बसल सूट निकल रहे हैं। ये वाला प्लांट आप देखिए, इसमें से लगभग पांच बसल सूट निकल रहे हैं, इस तरफ तीन और उसके दूसरे तरफ हो सकता है तीन या चार, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा बसल सूट निकल रहा है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फर्टिलाइज़र मैं इसमें दिया था। तो पहले आपको बता दूं कि इसका केयर हम कैसे लें जब ये बसल सूट निकल रहा है। कभी कभी आपका साथ होता होगा ये वाला प्रॉब्लम कि आप देखते होंगे ऐसे बसल सूट का निकलना शुरू हो रहा है, उसके बाद सूट निकलता है, थोड़ा सा निकलने के बाद वो काला पड़ के सूख जाता होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब आप देखेंगे बसल सूट आपका निकल रहा है तो आपको क्या करना होगा, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब भी आप देखें आपके बसल सूट निकल रहा है तो आप जो गांठ होता है, मतलब ग्राफ्टिंग पोर्शन जो होता है, वहाँ पे आप, ये देखिए मैं पानी का स्प्रे कर रहा हूँ, ऐसे आप इस गांठ में पानी स्प्रे कर दीजिए, मतलब जो सूट आपका निकल रहा होगा वहाँ पे जैसे पानी लग जाए, तो ऐसे में वो सूखेगा नहीं और जल्दी से बड़ा भी होगा। ये एक टिप्स अगर आप याद रखेंगे कि जब भी आपका बसल सूट निकल रहा होगा, आप देखेंगे कि बसल सूट निकल रहा है तो आप ऐसे पानी स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे आपका जो बसल सूट निकल रहा होगा वो जल्दी से बड़ा भी होगा और वो सूखेगा भी नहीं। तो देखिए ये एक अलग प्लांट है, इसमें से भी कैसे बसल सूट निकल रहे हैं, और भी हो सके तो इस साल और भी निकलेंगे मुझे लगता है। तो बसल सूट प्लांट में से लेने के लिए हम क्या फर्टिलाइज़र दें, तो अगर आप इतने देर तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ बसल सूट लेने के लिए मैं क्या फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था। एक्चुअली मैं अपने प्लांट में इस साल मतलब रिपोर्टिंग से पहले से लेके अब तक प्लांट के ऊपर जो भी काम किया हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। फर्टिलाइज़र जो मैं डाला था जिनसे मुझे ये बसल सूट मिले हैं वो वाला फर्टिलाइज़र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, जो कि हमने बनाया था 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिए, मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा और उसका थंबनेल भी अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आप ढूंढ के पा जाएं तो अच्छा है, अगर नहीं पाते हैं तो आई बटन से लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वो वाला फर्टिलाइज़र डालने के बाद ही हमें इतना ज़्यादा बसल सूट मिल रहा है। तो वो रहा पहला ट्रिक्स बसल सूट पाने के लिए हमें क्या फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। उसी फर्टिलाइज़र के बाद ही हमारा ये वाला बसल सूट निकला है। जितने भी मेरे सारे लगभग सारे प्लांटों में बसल सूट निकल रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा हो जाए मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के दिखाऊँगा कैसे जल्दी से बड़ा होता है और कैसे उसका ग्रोथ रहता है और कितना इसमें से फूल आता है कैसा। तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए हमने कैसे बनाया था और इसे अप्लाई किया था प्लांट के ऊपर। तो वो दोनों वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं वीडियो ख़त्म होने तक एक एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट दूंगा, रोज़ प्लांट करके होगा वो प्लेलिस्ट का नाम, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था और कैसे अप्लाई किया था, डिटेल्स आप समझ पाएंगे। तो पहला ट्रिक हो गया फर्टिलाइज़र और दूसरा ट्रिक ये है, वो वाला फर्टिलाइज़र अप्लाई करने के बाद ये जो गांठ है इस पर आप रोज़ाना 2 या 3 बार इसे पानी स्प्रे करते रहिए। इससे होगा क्या, ये जो गांठ है ये थोड़ा सा नरम होगा और जो बसल सूट निकलना होगा वो आसानी से निकल पाएगा। तो इसीलिए आप सुबह शाम 2 टाइम इसके ऊपर इसे पानी स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखेंगे। फर्टिलाइज़र वो वाला अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप रोज़ाना पानी इसे स्प्रे करते जाइए सुबह और शाम, और हो सके तो ब्रांचों में भी इसे पानी स्प्रे करिए। देखिए मैं पानी स्प्रे कर रहा था, मैं तो करता हूँ सुबह और शाम, आपको बताया भी था। ये जो बंदरों ने मेरा तोड़ दिया था कुछ ब्रांचेस, वहाँ से भी देखिए नया नया सूट निकलना स्टार्ट हो गया है। वो वाला कितना हेल्दी है, कितना जल्दी बड़ा हो रहा है ये आप देखिए। यहाँ से भी देखिए वो फर्टिलाइज़र देने के बाद और जो हमारा पानी स्प्रे में करता हूँ ऐसे करने से ब्रांचेस हमारा ये इतना ज़्यादा निकले हैं। तो टॉपिक ब्रांचेस के ऊपर नहीं है, टॉपिक है हमारा आज बसल सूट के बारे में। तो बसल सूट का पहला ट्रिक मैं आपको बता दिया कि फर्टिलाइज़र हमें क्या देना चाहिए। उसके बाद दूसरा ट्रिक्स जो मैं बताया वो है फर्टिलाइज़र देने के बाद स्प्रे, पानी का स्प्रे आप ज़रूर कीजिए, नॉर्मल प्लेन पानी का स्प्रे करते रहिए। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आपके ऐसे देखिए फूल खिल के ख़त्म हो जाए तो उसको ज़रूर से काट दीजिए। ऐसे काटने से क्या होगा, जो प्लांट का एनर्जी यहाँ पे लूज हो रहा होगा, देखिए ऐसे काट दीजिए, जो यहाँ पे एनर्जी लूज हो रहा होगा वो प्लांट अपने ग्रोथ में लगा देगा। देखिए मैं और भी एक काट के आपको दिखाता हूँ, हो सके तो 2 पत्ती छोड़ के आप काटिए, अच्छा रहता है। और पानी आप प्लांट के ऊपर तो ऐसे ही स्प्रे करते हैं, हो सके तो नीचे गांठ में ज़रूर स्प्रे कर दीजिएगा, उसके बाद आप रिजल्ट खुद देख के ही समझ पाएंगे। देखिए मेरे सभी प्लांट में कैसे ग्रोथ लिया है वो फर्टिलाइज़र के बाद, और सभी प्लांट में लगभग सभी प्लांट में मेरे बसल सूट निकल रहे हैं। ये वाला प्लांट में अभी आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पे भी बसल सूट निकल रहा है, और एक दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, देखिए ये वाला एक और यहाँ से एक निकल रहा है। ऐसे ही अगर आपको दिखे तो आप उसके ऊपर ज़रूर से पानी इसे स्प्रे करिए सुबह और शाम, दोनों टाइम इसे पानी स्प्रे करते रहिए। और इस प्लांट को तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ,
देखिए यहाँ से 200 शुल्क भी निकल रहा है और यहाँ से इस ब्रांच में से 3 ब्रांच और निकल रहे हैं, तो इसे भी हमें इस प्लांट में भी देखिए इसे अब हमें ऐसे काट देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फूल ख़त्म हो गया, यहाँ से भी काट देंगे, यहाँ पे भी फूल ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे, जब भी फूल ख़त्म हो जाए और काट दीजिए। देखिए उसके बाद आप देखेंगे उस जो जो ब्रांचेस हमारा नीचे से निकल रहा है उसका ग्रोथ कैसा डबल हो जाएगा। इस प्लांट में भी देखिए एक बसल शूट ऐसे यहाँ तक आ गया, ग्रोथ उसका इतना अच्छा हुआ। देखिए 2 दिन पहले शायद मैं आपको दिखाया था उसका, देखिए ये जो ब्रांच नीचे से शुरू हो के कितना जल्दी बड़ा हो के यहाँ तक पहुँच गया। अभी इसमें फ्लावर खिलेगा। और यहाँ पे भी देखिए, इस प्लांट में भी देखिए, देखिए बसल शूट निकल के यहाँ से होते हुए अभी इसमें कलियाँ आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर आप करते जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा और फूल भी आप इसे ले पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम देके इस वीडियो को आप देखे, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लीजिए, आईडी मेरा नीचे आ रहा होगा, मैं वहाँ पे छोटा छोटा अपडेट देता रहता हूँ। कोई ना कोई प्लांट ज़रूर लगाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।